बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और जितना एरिया रह गया था हमारा उस पे आते हैं सर। डिफिकल्टीज क्या हो सकती है नेशनल इनकम को मेजर करने में, डिफिकल्टीज क्या क्या हो सकती हैं आपको? तो यहाँ से हमारा रह गया था, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए सबसे पहले डिफिकल्टी क्या है? शॉर्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकली डेटा। आपके पास डेटा डेटा कलेक्ट करना ये एक मुश्किल काम होता है। सही है कि हर बंदे जाके पूछना तुमने कितना प्रोडक्शन की, कितना कमाया, हर बंदा अपनी कमाई बता भी नहीं रहा होता। तो शॉर्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। उसके बाद लैक ऑफ ट्रेन मैन पावर, पढ़े लिखे लोग जिनको पता हो काम कैसे करना है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ मैन पावर टू बी एम्प्लॉयड टू कलेक्ट डेटा इन पाकिस्तान। मोस्ट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। सही है, यहाँ तो ये होता है ना, रिश्वत के तौर पर किसी को भी लगवा लिया। सही है, वो मेरा जानने वाला दोस्त जी के सर, लिए काम। सही है, डीमोनेटाइज गुड्स, ये थोड़ा समझना। डीमोनेटाइज गुड्स देखो क्या होता है। किसान ने प्रोडक्शन की, लेट से 100 टन आटा बनाया, प्रोड्यूस के जैसे भी उसने उगाया वगैरह। सही है, अब उसको पता ही है 100 टन में गवर्नमेंट को दूंगा, गवर्नमेंट मुझे उसके बदले पैसा देगी। ऐसी है, उगाई कितनी हुई है 100 टन, याद जी सर, रखना। फसल कितनी लगी है 100 टन, अज्यूम कर लेते ना। गवर्नमेंट को उसने कहा मैं दूंगा, गवर्नमेंट पैसे देगी, जी लेकिन मुझे भी तो खाना है ना, मुझे भी तो खाना है ना। तो मैं काम करता हूँ, 2 टन निकाल लेता हूँ अपने घर वालों जी में सर, से, 98 गवर्नमेंट को दे देता हूँ। जब गवर्नमेंट को उसे 98 दिया, जब गवर्नमेंट को उसे 98 दिया, गवर्नमेंट नेशनल इनकम में कितना कैलकुलेट करेगी? 98, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है? 100। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है नेशनल हंड्रेड इनकम सर, को मालूम करने की, कि डिमोनेटाइज गुड्स, कुछ गुड्स किसान लोग पहले निकाल लेते हैं तो वो कैलकुलेट नहीं हो पाते नेशनल इनकम में। सही है, डिमोनेटाइज गुड्स आर दोज विच आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय द जी प्रोड्यूसर। सर, सही है, एग्जाम्पल फार्मर कंज्यूम्स अ पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन। मैंने एग्जाम्पल भी नीचे दी हुई जो मैंने अभी आपको दी। इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी, इग्नोरेंस, लोग इग्नोर कर देते हैं नेशनल इनकम को। अभी क्या करेंगे इसका, छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो। या तो इस वजह से कैलकुलेट करना मुश्किल समझते हैं, करते नहीं है, या उनको पता ही नहीं होती इसकी अहमियत। पीपल आर जनरली इग्नोरेंट ऑफ देयर नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैज दे डू नॉट मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिकॉर्ड ही नहीं करते। हम अपने घर में देख लो, हम लोग कौन सा रिकॉर्ड करते हैं भाई? कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कहाँ से आया कहाँ गया पैसा। प्राइस फ्लक्चुएशन इन पाकिस्तान, प्राइस ऑफ गुड्स फ्लक्चुएट फ्रिक्वेंटली। आज एक चीज 10 रुपए की, कल 12 रुपए की है। आज नेशनल इनकम के लिए डाटा कलेक्ट किया 10 रुपए, उसको 10 रुपए ऐड कर लिया, कल को चीज 12 की है भाई, समझ रहे हो? तो प्राइस फ्लक्चुएशन भी जी एक जो सर, है इश्यू होता है इन पाकिस्तान। प्राइस ऑफ गुड्स फ्लक्चुएट फ्रिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नेशनल इनकम बिकम्स अनस्टेबल एंड डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। अनस्टेबल है ना भाई? आज मैंने डाटा लिया, एक बिस्किट का डाटा लिया, लेट्स से एक प्रोडक्ट की उसका डाटा लिया मैंने, गया 10 रुपये का, मैं नेशनल इनकम में 10 रुपये प्लस कर दिए, प्लस कर दिए 10 रुपये। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट देंगे नेशनल इनकम की, पता चला वो चीज़ तो 12 की हो गई है, तो रिकॉर्ड का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन वो जो वो ये नेशनल इनकम बनेगा किसी एक डेट पे बनेगा ना सर, तो इस वजह से ये तो प्राइस वही तो, फ्लक्चुएशन तो नहीं होना चाहिए ना सर। सर एक डेट का, डेटा डेटा कलेक्ट करने में तो टाइम लगता है ना, डेटा कलेक्ट करने में तो 2 4 महीने लग जाएंगे, 4 5 महीने लेकिन लग जाएंगे। डाटा नेशनल इनकम जी देखो एज अ सर, होल है, पूरे कंट्री का है, पूरे कंट्री का, तो डाटा कलेक्ट करने में टाइम लगेगा ना यार। सही है, अर्निंग ऑफ जी। फॉरेन फर्म्स, अर्निंग ऑफ फॉरेन फर्म जो बाहर से आके कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, उनकी अर्निंग क्यों क्यों ये कैसे, इसको पढ़ो। मैनी फर्म्स लाइक कोका कोला, नाइक, एटीसी इन्वेस्ट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। दिस फेनोमेना लीड्स टू अ क्वेश्चन, ये कहानी इनकी जो है ये क्वेश्चन बनाती है भाई, क्या वेदर द अर्निंग ऑफ दिस फर्म शुड बी काउंटेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द होस्ट कंट्री और शुड बी द पार्ट ऑफ द पेरेंट कंट्री। भाई कोका कोला लेट्स से यूएस की कंपनी है, वो आके यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ पे वो जो है प्रोडक्शन कर रही है, कमा रही है यहाँ पे, तो उसकी जो कैलकुलेशन है, उसकी जो इनकम है, वो पाकिस्तान की नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो या उसके अपने कोका कोला में हो? तो भाई ये भी एक क्वेश्चन होता है नेशनल इनकम का। अब कुछ बोलते नहीं, हम करेंगे, वो बोलते हैं हम करेंगे, डबल काउंटिंग हो रही है। सही है, तो ये भी एक डिफिकल्टी रहती है हमारे पास। सर्कुलर जी फ्लो सर, ऑफ नेशनल इनकम, सर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को मैं थोड़ा सा आपको पहले बताता चलूँ, छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, उसके बाद में जो इसकी पिक्चर है वो आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, आपके पास तो क्या नोट्स हैं। देखो क्या होता है, अच्छा इसमें हम जो है 4 इकोनॉमी तक की बात होती है, लेकिन अभी हम फर्स्ट ईयर के लेवल पर हैं, तो सिर्फ 2 इकोनॉमिक्स की बातें होती है, मतलब शॉर्ट रखते हैं इसको। एक बिजनेस है और एक सर एक हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल बंदा, और उसके बाद एक थर्ड पे जाता है जो उसमें गवर्नमेंट आ जाती है, फोर्थ पे जाता है लेवल पे तो उसकी जो है वो टैक्सेस वगैरह आ जाते हैं। बहरहाल मैं आपके सामने पिक्चर लगा रहा हूँ, मैं अभी से मुझे सुनना, पिक्चर को मत देखना अभी, तो मुझे ठीक देखना, मैं मुझे देखना, मेरा पैन देखना, अभी पैन लग रहे हैं साले आपके सामने,
मुझे देखना हो मेरा पैन देखना, आई रिपीट, मुझे देखना हो मेरा पैन देखना, पिक्चर को भी मत, सिर्फ मेरा पैन जो बता रहा हूँ वो देखना, पिक्चर को खुद से समझने की कोशिश नहीं करना, देखो क्या होता है। ये हाउस होल्ड जो है, ये हाउस होल्ड जो है, ये बिजनेसिस को क्या दे रहा है, ये बिजनेसिस को या तो लैंड देगा, सही है, या ये एज अ लेबर काम करेगा, या ये अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, या ये बैठ के वहां पे दिमाग देख के अपना काम करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, या तो ये एम्प्लॉय बन के काम करेगा बिजनेस के लिए, ये हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड, या तो एम्प्लॉय बन के, ये हाउस होल्ड या तो एम्प्लॉय बन के, एम्प्लॉय बन के, एक मिनट रुक जाना, एम्प्लॉय बन के काम करेगा, लेबर, एज लेबर काम करेगा, या ये अपनी लैंड दे देगा बिजनेस को कि भाई ये लैंड ले लो मेरी, ये लैंड ले लो मेरी, इस पे काम करो तुम, या ये यहाँ पे कैपिटल के इन्वेस्टमेंट कर देगा कि ये लो मैं पैसा लगा रहा हूँ, या ये पैसा लगाने के साथ साथ बैठ के अपना काम वाम भी, हमें बैठ के जो है ऐसा पार्टनर बन के वहां पे काम करेगा, समझ रहे हो। अब देखना हर चीज के जी रिटर्न सर। में, हर चीज के रिटर्न में ये बिजनेस इसको कुछ पेमेंट करेगा, इस हाउस होल्ड को बिजनेस कुछ पेमेंट करेगा, जो इसकी इनकम बन जाएगी, जो इसकी इनकम बन जाएगी, जो इसकी डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। अगर इसने लैंड लगाई तो लैंड के बदले में ये बिजनेस को क्या देगा, रेंट। अगर ये लेबर बन के काम करे तो ये बिजनेसमैन इसको क्या देगा, सैलरी। अगर ये कैपिटल लगाया हुआ तो कैपिटल पे ये इसको देगा इंटरेस्ट। अगर कैपिटल लगाने के साथ साथ ये एज अ पार्टनर काम कर रहा है तो इसको क्या देगा, प्रॉफिट, समझ रहे हो, जी सर, जी क्लियर है ये बात। सर, अब देखो ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस जो है, ये इन लोगों को, इन हाउस होल्ड को कुछ सर्विसेज भी तो दे रहा होगा। लेट से ये बिजनेस था एक बैंक का, अज्यूम कर लेते हैं ये जो बिजनेस था ना, ये बिजनेस था, ये बैंक था कोई, ये था कोई एक बैंक। तो भाई बैंक लोगों को, बैंक बैंक लोगों को, इन लोगों को, इस हाउस होल्ड को क्या फराहम कर रहा होता है, सर्विसेज दे रहा होता है इन लोगों को, क्या क्या अपने पैसे ला के रखते हैं हमारे सर। पास, सेविंग, या आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट, बहुत सारी सर्विसेज दे रहा होता है, सही है। और जी उस सर, सर्विसेज के रिटर्न में ये हाउस होल्ड उनको पेमेंट करते हैं, ऐसी है, जी सर, सही है। तो देखो यही बताना था मकसद कि भाई पैसा जैसे तो घूम रहा है, फ्लो हो रहा है, पैसा फ्लो हो रहा है, पहले पहले इन इन इनर बाउंड्री जो मैंने बनाई, इनर बाउंड्री जो बनाई, जिसमें मैंने लैंड लेबर की बात की, वो तो आप प्रोडक्ट घूम रही थी आपकी, लैंड घूम रहा है, लैंड के बदले में एक रेंट घूम रहा है, और उसके बाद फिर बिजनेस आपको एक सर्विसेज दे रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। अगर बैंक का बिजनेस है, या कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है, कोई मर्चेंट है, वो आपको बेच रहा है, तो आप उसके बदले में उसको पैसा दोगे। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल। दो बंदे जी थे, सर, दो बंदे थे, मिस्टर ए सर्कुलेशन सर, और मिस्टर बी। ए ने बी को दी जमीन, लैंड, लैंड दी, अपनी लैंड दी कि उस पे काम करो। बी ए को क्या देगा, बी ए को उस लैंड के बदले रेंट पे करेगा, रेंट सर, रेंट, रेंट ए की क्या बनेगी, इनकम। और फिर वो जो, ये बी जो इस जमीन पे काम कर रहा था, लेट से वो कोई एक प्रोडक्ट बना रहा था, वो ये प्रोडक्ट बना रहा था, वो प्रोडक्ट जब वो ए को बेचेगा तो ए से पैसा ले लेगा वापस, समझ रहे हो। जी तो ये था भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी हुई, फर्म्स एंगेज हाउस होल्ड टू प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन रिटर्न गिव देम रेंट व्हिच इज इनकम ऑफ हाउस होल्ड। मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, हाउस होल्ड यूज दिस मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स, वो फर्म से खरीदती हैं जो उनके लिए खर्चा होता है। देर आर टू टाइप ऑफ फ्लो, फ्लो, अच्छा ये फ्लो है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है भाई, ये फ्लो है, ये फ्लो है, सही है, एफ ठीक एल ओ डब्ल्यू है। इन डायग्राम विच मूव अपोजिट डायरेक्शन, अंदर वाले लाइन को जो, जिसमें पैसा नहीं घूम रहा, उसमें जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की मैंने, इनर लाइन में उसको बोलते हैं रियल फ्लो, और जो बाहर पैसे की बात करें उसको हम मनी फ्लो बोलते हैं या नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, रियल फ्लो को कमोडिटी फ्लो भी बोलते हैं। तो नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकती है, नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकती है। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स आर मेन सोर्स ऑफ डाटा ऑन व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। नेशनल इनकम बताते हैं कि पिछले सालों में इस कंट्री में क्या हुआ है, लोगों ने कितना कमाया है, कितना प्रोडक्शन किए हैं, और अभी क्या हो रहा है, अभी प्रोडक्शन क्या चल रहा है, अभी लोग कितना कमा रहे हैं। द डेटा इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बताते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट।
अगर अच्छी इनिशियल इनकम होगी तो पता चलेगा यहाँ पे इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, यहाँ पे हर बंदा काम कर रहा है, कोई बेरोजगार नहीं है। और जब कोई बेरोजगार नहीं है तो सोशल वेलफेयर भी चलेगा, यहाँ पे कोई चोरी चकारी भी नहीं हो रही होगी। सही है। नेशनल इनकम हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग पर कैपिटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। पर कैपिटल इनकम मैंने बताया था कल वाली क्लास में, पर कैपिटल इनकम क्या होता है कि एवरेज एक बंदा कितना कमा रहा है। तो भाई अगर एवरेज में बताऊँ, एक बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है तो इसका मतलब इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा भाई, ये लोग स्टैंडर्ड से रहते होंगे, कोई भूखे नंगा नहीं होगा यहाँ पे, कि फटे फूटे कपड़े नहीं पहनता होगा, स्टैंडर्ड होगा, घर में पंखे वंखे भी होंगे, लाइटें भी होंगी, हर चीज़ का अच्छा निज़ाम होगा। सही है। इट हैज़ टू चेक एंड कंट्रोल द डाउनवर्ड स्विंग ऑफ ट्रेड साइकिल। कि ट्रेड साइकिल में कहीं, ट्रेड साइकिल याद करो, ट्रेड साइकिल में पढ़ा चुका आपको, अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन, बिजनेस की फ्लक्चुएशन, ट्रेड साइकिल, तो उसमें कोई डाउनवर्ड स्विंग तो नहीं आ रहा, कहीं नीचे तो नहीं जा रहा ट्रेड साइकिल। पता करो नेक्स्ट इनकम, नेक्स्ट इनकम कम होगी, मतलब हम रिसेशन में जाने वाले हैं। सही है। नेशनल इनकम डाटा इज यूज फॉर कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज इकोनॉमिक पोजीशन। हमारी नेशनल इनकम 100, इंडिया की देखो इंडिया की कितनी है, 200, ओ हम इंडिया से पीछे रह गए। उसकी चेक करो श्रीलंका की, श्रीलंका की 50, हम श्रीलंका से आगे। कंपैरिजन में भी काम आता है सर, कंपैरिजन में भी काम आता है। सही है। सर ये जो पॉइंट नंबर 3 में ये पर कैपिटल है सर, पर कैपिटल नहीं, पर कैपिटल। ठीक है सर, ये कैपिटल सर, कैपिटल वही बोलते हैं ना, एवरेज को बोलते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में। ओके सर। फैक्टर्स प्रमोटिंग नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम को प्रमोट करने वाले फैक्टर्स कौन से, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो नेशनल इनकम को बढ़ाने में मदद करें। डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जमीन से मादनियात वगैरह निकालो जो फ्री में मिले आपको, काम ना करना पड़े, मतलब बनानी ना पड़ रही हो, बस खुदाई करो, तेल निकालो, मछलियाँ निकालो, इस तरह के काम। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू प्रमोट नेशनल इनकम। द मोर द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द बेटर वुड बी द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सही है। फ्री में एक चीज मिल रही होगी, डायरेक्ट जाकर मार्केट में बेचना होगा। मॉडर्न टेक्निक यूज ऑफ आई टी इन बिजनेस, आई टी का इस्तेमाल करें, हर काम लिख लिख कर ना करें, कुछ काम आप कंप्यूटर वगैरह पर करें। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, आपके पास पढ़े लिखे लोग हों। सही है। विल टू प्रोग्रेस, विल वो वाले लोग जो सोच रहे हैं कि हाँ हम कर लेंगे, आई कैन एंड आई विल, ये नहीं अरे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, नहीं भाई करके तो देखो। हिम्मत वाले लोग जो करने वाले बने, काम को करने वाले बने लोग। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। भाई आपके पास ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का अच्छा निज़ाम हो, रोड्स हो जहाँ से आप ट्रांसपोर्टेशन अच्छी कर सकें, और आपके पास अच्छे फोन्स वगैरह, क्विक कम्युनिकेशन का निज़ाम हो, वहाँ से फ़ौरन कैल करके हाँ प्रोडक्ट चले गए वहाँ पे, जल्दी हो गई हाँ प्रोडक्ट को एक जगह दूसरी जगह पहुँचाने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम हो, इसको पढ़ लेते हैं, लंबी लाइन लिखी हुई है। दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क फॉस्टर द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ चेंज। फास्ट कर दे रही है मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब घुमाना, चीज़ को घुमाना, ऑफ फैक्टर ऑफ चेंज विच इन रिटर्न इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। भाई सामान बना, इलेक्ट्रिक, मैंने बहुत सारे मोबाइल फोन बनाए, और ये सारे मोबाइल फोन बनाने के बाद दो दिन बाद जाके एक जगह पहुंचे। सही है। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने बनाया 2 घंटे में पहुंच गए, मैं और बनाऊंगा और पहुँचाऊँगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम मेरा अच्छा होगा, फ़ौरन चीज़ पहुँचे, जल्दी जल्दी बनाओ, भिजवाओ, भिजवाते जाओ, नेशनल इनकम बढ़ती जाएगी हमारी। सही है। लेकिन अगर निज़ाम हमारा ख़राब होगा, डिले के पहुँचेगी, हो सकता है बीच में वो ख़राब भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। सही है। उसके बाद पर्टिकुलर स्टेबिलिटी, इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कंट्री टू वॉस्ट नेशनल ग्रोथ। भाई क्योंकि अगली गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट आगे क्या करती है, निज़ाम को चेंज कर देती है, लॉस को चेंज कर देती है अक्सर। सही है। या रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ला देती है, तो उसमें भी हमारा जो है प्रॉब्लम हो सकता है प्रोडक्शन वगैरह में। राइट है जी सर। अच्छा, नॉमिनल वेज और सर रियल वेज क्या है? आई थिंक ये लास्ट रह गया, इसके बाद कुछ है क्या? नहीं सर, ये लास्ट एरिया है। नॉमिनल वेज और रियल वेज क्या है सर? बहुत ही आसान से ये आपको अभी यहीं पे मैंने एग्जांपल दिए, मैं इसी को डिस्कस करूंगा बस, क्योंकि एग्जांपल मैंने बना के दिया आपको। व्हाट इज रियल वेज, व्हाट इज नॉमिनल वेज? सर नॉमिनल वेज क्या होती है? अच्छा मैं इसको देख लूं, अनम्यूट कर दें। उमर हयात बेटा कोई सवाल है तुम्हारा? उमर हयात कोई सवाल है? तुम्हारी तरफ से शोर आ रहा था, मैंने इसलिए तुम्हें म्यूट किया, बता। नहीं सर, सर वो इतना समझ नहीं है, मैं वीडियो देख के समझूंगा। तुम लेट आए ना बेटा क्लास में, तुम्हारा दोस्त फुटबॉल खेलने जाके पता नहीं सर उसका। हाँ, वो तो बोल रहा है मुझे सर हमारा सेमीफाइनल है तो आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, बताओ।
मैंने कभी रेंजर्स भेजता हूँ बेटा सबर कर। तो चले नॉमिनल वेज पे आते हैं। नॉमिनल वेज इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्नड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वन एम्प्लॉय रिसीव 1000 रुपए पर मंथ फॉर द सर्विसेज ही रेंडर्ड, द अमाउंट ऑफ मनी ही रिसीव ओनली इज नेम्ड एज नॉमिनल वेज। अब रियल वेज सुनो, दीज आर वेजेस एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन और इक्विवेलेंटली वेजेस इन टर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी परचेस्ड। This term is used in contrast of nominal wages or unadjusted wages. सुनो मेरी बात जरा सुनना मेरी। अब मैं example दे रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, मैं तुम्हें एक example दे रहा हूँ। तुम्हारी तनख्वाह थी 1000 रुपए, मंथ चल रहा है सर, मंथ चल रहा है नवंबर, सही है, बड़ा 1000 नहीं करते इसको 100 कर लेते हैं, example के लिए समझाने के लिए 100 कर लेते हैं इसको, और तुम ले रहे हो एक प्रिंस बिस्किट। सर प्रिंस बिस्किट मार्केट में चल रहा है 5 रुपए का। तुम कितने बिस्किट खरीद सकते हो, 20 सर। 100 रुपए तुम्हारी क्या थी जो नवंबर में तुम्हारी तनख्वाह थी, ये थी तुम्हारी नॉमिनल वेज, नॉमिनल वेज थी तुम्हारी 100 रुपए, सही है। और 20 बिस्किट जो तुम्हारी खरीदने की ताकत थी, ये थी तुम्हारी रियल वेज। अब सुनना अब एग्जांपल 2, 100 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है किसमें, दिसंबर में, ये क्या है वंस अगेन नॉमिनल वेज, जो तुम्हें पैसा मिल रहा है नॉमिनल वेज है, सही है। लेकिन प्रिंस बिस्किट लग रहा था मैं यहाँ पे भी, प्रिंस बिस्किट की कीमत अब इस बिस्किट की कीमत जो है ये 5 नहीं है सर, इस बिस्किट की कीमत है 10। अब तुम कितने खरीद सकते हो, सिर्फ 10। ये जो तुम्हारी कुवते परचेज है ना, परचेजिंग पावर है, ये कम हो गई, ये है रियल वेज। पहले रियल वेज कुछ और थी, बाद में रियल वेज कुछ और है, समझ रहे हो इस चीज को? जी सर। जाना दोबारा रियल वेज देखो, परचेजिंग पावर तुम्हारी, ये हुआ क्या था, एग्जाम्पल नंबर 2 में दिसंबर में क्या हुआ, दिसंबर में महंगाई हो गई, तुम्हारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है अगर तुम्हारी इनकम सेम है। मैंने एग्जाम्पल क्या ली, इनकम को दोनों केसेस में सेम रखा, ये जो इनकम सेम थी ना, जो तुम्हें पैसे मिल रहे थे, ये थी तुम्हारी नॉमिनल वेज। लेकिन महंगाई की, इन्फ्लेशन की वजह से या किसी और चीज की वजह से अगर तुम्हारी खरीदने की इस्तेआत कम हो गई है, ये रियल वेज है। पहले तुम 20 बिस्किट खरीदे थे, ये रियल वेज थी, अब तुम 10 बिस्किट खरीद रहे हो, ये रियल वेज है, सही है। मतलब बताने का मतलब ये है कि तुम्हारे जो है पैसे की वैल्यू कम हो गई है क्योंकि चीज महंगी हो गई है। अब खैर, अब क्लियर है? यस सर जी, सही है। तो ये था भाई नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, आई थिंक आप लोग को जो है ये मुनासिब हद तक क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें स्टिल कोई सवाल वगैरह है आपका तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई भी इसमें सवाल है तो आप लोग हम पूछ सकते हैं। हाँ भाई, कोई और सवाल किसी का? नहीं है कोई सवाल वाल? अच्छा, 2 मिनट फिर 1 मिनट मुझे रुकना था, एक चीज जो है सर, हम आ जाएगा।